और उनको जाकर गंभीर रूप से बीमार कर सकती है। बागशी पर जो भी कुल्फी मिलती है उस पर किसी भी तरह के आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर क्या नेचुरल कलर फ्लेवर को भी नहीं डाला जाता। शुद्ध केसर, शुद्ध इलायची, शुद्ध पिस्ता, ये केवल चीज़ें डालकर उसको बनाया जाता है। अगर पीला रंग भी इसमें चाहिए होगा तो हल्दी डालकर इसके अंदर पीले रंग को लाने की कोशिश की जाएगी। जो बाजार के अंदर आइसक्रीम मिलती है उसके अंदर रिफाइंड चीनी का उपयोग होता है, और अब तो हम ज़्यादा एडवांस हो गए हैं तो इसीलिए आर्टिफिशियल स्वीटनेस, स्टीविया, माल्टोस, कॉर्न सिरप, पता नहीं क्या क्या उन आइसक्रीम्स के अंदर डाला जाता है। जाने के बाद में हमारे शरीर के अंदर कितनी प्रकार के रोग ये रिफाइंड चीनी करती है, क्योंकि 32 से ज़्यादा तरीके के केमिकल्स का उपयोग होता है इस चीनी को बनाने में। वाक्षी के पास से जितनी भी कुल्फी मिलती है उनके अंदर केवल देसी खांड का उपयोग होता है, वो भी ऑर्गेनिक कैटेगरी की, तो सोचिए बच्चों के लिए कितनी ज़्यादा सुरक्षित बन जाती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, बाजार में मिलने वाली आइसक्रीम के ऊपर अब तो लिखना भी बंद कर दिया। आइसक्रीम शब्द आपको मिलेगा नहीं आइसक्रीम पे लिखा हुआ, क्यों? क्योंकि उसके अंदर पहले दूध यूज़ होता था, दूध की जगह पे अब मिल्क सॉलिड्स करने लग गए, अब मिल्क सॉलिड्स भी उनके पास नहीं बचे तो साफ साफ पीछे लेबल पे लिखा होता है कि हमने वेजिटेबल पाम ऑयल का उपयोग करके इसको आइसक्रीम को बनाना शुरू कर दिया। वाक्षी पर जितनी भी कुल्फी मिलती है उसमें शुद्ध भैंस का दूध जो है उसका उपयोग किया जाता है, ताकि बच्चों के लिए केवल भैंस के दूध से, देसी खांड से, हल्दी, केसर, इलायची, इन सारी चीज़ों का उपयोग कर शुद्ध कुल्फी आपके लिए बनाई जा सके।